महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। उनका ये सपना आज स्वच्छ भारत अभियान के रूप में साकार हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई में आई जागरूकता के कारण सफाई संबंधित उपकरण की भी मार्केट में अधिक डिमांड हुई है। उन्हीं में से एक है वाइपर, जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है, इसलिए फ्लोर वाइपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक लाभकारी बिजनेस साबित हो सकता है। आज आईआईटी के माध्यम से आप जानेंगे फ्लोर वाइपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। सबसे पहले रॉ मटेरियल के तौर पर आपको पीपी ग्रैन्यूल्स, आयरन पाइप, ईवीए रबर शीट्स, पीवीसी स्लीव्स, प्लास्टिक रिवेट्स, आयरन बुशिंग्स और पैकेजिंग के लिए पीई फिल्म रोल, कार्टन्स आदि की जरूरत होगी। प्रोसेस की बात करें तो फ्लोर वाइपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले वाइपर बेस की आउटर प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके लिए प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का उपयोग होता है। इस मशीन में सबसे पहले अपनी डिजायर्ड प्रोफाइल की डाई को मशीन में सटीक स्थान पर माउंट किया जाता है। अब पीपी ग्रैन्यूल्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के हॉपर में फीड किया जाता है, जहां से ये पिघला हुआ होकर मशीन द्वारा मोल्ड में इंजेक्ट हो जाता है। फिर इसे ठंडा होने के बाद मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद ईवीए शीट्स को इस प्लास्टिक बॉडी के डायमेंशन के अनुसार डिजायर्ड लेंथ और विड्थ में काटा जाता है, जिसे मैन्युअली प्लास्टिक बेस में रिवेट्स की सहायता से फिट किया जाता है। इसके साथ साथ आयरन पाइप्स में बुशिंग्स को स्क्रू प्रेस मशीन की सहायता से प्रेस फिट किया जाता है। अब इन आयरन पाइप्स पर पीवीसी स्लीव्स को कवर करके हीट श्रिंक पैकेजिंग मशीन में फीड किया जाता है, जिससे इस आयरन पाइप के ऊपर पीवीसी स्लीव्स रैप हो जाती हैं। अब इन आयरन पाइप्स और वाइपर बेसिस को पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 21 साल से हूं और मैंने देखा है कि हमारे घरों को साफ़ करने के लिए पहले पोछा होता था, आजकल मॉडर्नाइज में वाइपर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्लोर वाइपर हर घर में ज़रूरत होती है, चाहे बाथरूम्स हैं, चाहे किचन्स हैं, चाहे हमारे फ्लोर हैं या चाहे ड्राइववे हैं, सब जगह हमें फ्लोर वाइपर की ज़रूरत होती है। और ये हमारे सिटी और विलेज सब जगह ज़रूरत होती है, तो इसकी बहुत मास कंजप्शन है। फ्लोर वाइपर की हम बात करें, इसमें 4-5 साइजेज आते हैं और मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड है इसकी, क्योंकि हर घर में 2 या 3 वाइपर्स लगते हैं और डे बाय डे इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज हमारे 130 करोड़ की जन पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके हिसाब से आज भी इतने मैन्युफैक्चर नहीं है जो कि पूरे इंडिया को फीड कर सके, तो इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत है। इस पूरी प्रक्रिया में जिन मशीन्स और इक्विपमेंट का यूज होगा वो इस प्रकार हैं: इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हैंड स्क्रू प्रेस, वर्टिकल फोम कटिंग मशीन, हीट श्रिंक पैकेजिंग मशीन, पाउच सीलिंग मशीन, हैमर आदि। इस वीडियो में शो किए गए प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 45 से 50 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत होगी, और अगर प्रारंभिक स्तर पर ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो करीब 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए आपको 12 से 15 वर्कर्स की सहायता लेनी होगी, और प्रारंभिक स्तर पर आप इसे 6 से 8 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको लगभग 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, वहीं प्रारंभिक स्तर पर लगभग 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। अब आपको बता देते हैं कि इस व्यवसाय से प्लांट और मशीनरी के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और आप इस व्यवसाय से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बात अगर प्लांट और मशीनरी की करें तो वीडियो में शो किए गए स्केल पर प्लांट सेटअप करने के लिए करीब 55 से 60 लाख के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर
सिंगल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और अन्य इक्विपमेंट के साथ आप ये बिजनेस 15 से 20 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप 10 से 12 प्रतिशत तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। ध्यान रहे, उपरोक्त सभी फिगर्स व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इस व्यवसाय के लिए जरूरी लाइसेंसेस की बात करें तो GST, उद्यम NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही जुड़िए IID से। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर। IID के माध्यम से आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट एपिसोड्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप Entrepreneur India Live को और हमारे चैनल Entrepreneur India TV को सब्सक्राइब कीजिए।